प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत चलाया गया 15 दिवसीय आयुष्मान पखवाड़ा में 11,500 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया, जिसके संबंध में डिप्टी सीएमओ एवं जनपद के आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस पखवाड़े में कुल 11,500 से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। कुछ कारण से अधिकतम कार्ड नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि जो भी 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण में लाभार्थी हैं या जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, वह जल्द से जल्द अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, आशा बहुओं के माध्यम से तथा पंचायत सहायक से आयुष्मान कार्ड को बनवा लें। इसके अलावा ब्लॉक पर आरोग्य मित्र के माध्यम से भी कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से पूरा परिवार 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, जिसमें करीब 15 तरह की बीमारियों का इलाज इस कार्ड से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में 130 अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिसमें 26 सरकारी अस्पताल और 104 निजी अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि जल्द से जल्दी सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी सीएमओ अनिल कुमार सिंह ने कहा, इस पखवाड़े में 11,500 के आसपास हम लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। हालांकि अपेक्षा हम लोगों को ज़्यादा की थी, लेकिन कुछ त्यौहार भी इधर आ गया और कुछ और भी व्यवधान आए, जिसकी वजह से एक दो दिन पोर्टल भी हमारा डाउन हो गया था, जिसकी वजह से कम कार्ड बने। लेकिन ये तो शासन द्वारा दिया गया एक पखवाड़े का लक्ष्य था, परंतु अभी आज ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ हमारी वार्ता हुई है। ये हम लोग लगातार अनवरत चलाते रहेंगे एक अभियान के स्तर पे, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग जितने भी हमारे जनपद में लाभार्थी हैं उनको आयुष्मान कार्ड से आच्छादित कर सकें। और इसी के साथ मेरी जनपद वासियों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसके लाभार्थी हैं या जिनके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा गया पत्र है अथवा अंत्योदय कार्ड धारक हैं, वो शीघ्र से शीघ्र इस कार्ड को बनवा लें अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र से या आशा के माध्यम से या पंचायत सहायक के माध्यम से। इन सारे माध्यमों से आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने ब्लॉक पे स्थित सरकारी अस्पताल पे आरोग्य मित्र हैं एक, उनके माध्यम से भी बनवा सकते हैं। तो यथाशीघ्र आप अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि बीमारियां का के बता के नहीं आती हैं, अकस्मात आती हैं। ऐसे समय में हम लाभार्थी होते हुए भी अपने घर से पैसा खर्च करें, धन खर्च करें और एक आर्थिक बोझ अपने ऊपर लें, उससे लाख गुना बेहतर है कि हम समय रहते ये कार्ड बनवा लें और जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है सेहत से संबंधित तो हम उसका लाभ उठाएं। सर लाभ क्या है इस कार्ड के बन जाने के बाद? आपका पूरा परिवार 5 लाख तक के इलाज के लिए लाभार्थी हो जाता है, जिसमें किसी भी तरह का, चाहे गुर्दे की बीमारी हो, चाहे हृदय की बीमारी हो, या घुटने बदलवाने हो, या किसी तरह की हड्डी टूट गई हो, मतलब तरह तरह के करीब 1500 तरह की बीमारियों को इस योजना में आबद्ध किया गया है। और इस बीमारियों से संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए हमारे जनपद में 130 अस्पताल इस योजना से आबद्ध किए गए हैं, जिसमें 26 हमारे सरकारी अस्पताल हैं और 104 हमारे निजी अस्पताल हैं। जितने भी आप बड़े अस्पताल गोरखपुर जनपद में देख रहे हैं, एक सिटी हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी सारे अस्पताल इसमें योजनाबद्ध हैं।